Good morning, students. My name is Mohit Saxena, and the subject is computer applications. Students, as you know, that I have completed 3 videos of Unit 1. The first video was based on characteristics of computer. The second video was based on memory part 1, in which I explained primary memory, RAM and ROM. And the third video was based on memory part 2, in which I explained secondary memory and secondary storage devices. So this is my fourth video, which is based on memory units. Actually, this topic is not given into your syllabus, which is provided by the CBSE. But according to me, it's a very important topic. That's why I am making this video over this topic. So before starting memory units, I want to ask one thing from you, that how a person can talk with other person. Then the answer is using language. By using language, two persons can talk with each other, they can express their feelings. But the problem is, suppose one person knows Hindi and the other person knows English. In this case, how they can express their feelings, how they can interact with each other, how they can talk with each other. This is the question. Just like Modi ji and Trump. If Modi ji wants to talk with Trump, then how they can talk? Because Modi ji knows Hindi very well, and as you know that Trump is an Englishman, then how can they express their feelings with each other? Then the answer is using translator. Using translator, they both can express their feelings. ट्रांसलेटर की हेल्प से ही ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बता पाते हैं, एक दूसरे से बातें कर पाते हैं. एक्चुअली ट्रांसलेटर नोज बोथ द लैंग्वेजेस. ट्रांसलेटर ऑल्सो नो हिंदी एंड ऑल्सो नो द इंग्लिश. इसी वजह से ट्रांसलेटर मोदी जी की बातों को समझकर जो ट्रंप है उनको अपनी बातें समझा पाते हैं. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, यही सेम प्रॉब्लम आती है जब कोई पर्सन, कोई ये जो किड है, अगर सपोज करिए ये बातें करना चाहता है कंप्यूटर से, तो ये कैसे करेगा? क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज. और बाइनरी लैंग्वेज जो आती है, बाइनरी लैंग्वेज में बस दो डिजिट्स होती हैं, एक होती है 0, एक होती है 1. और ये जो किड है, इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फाबेट. लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें बस दो ही अल्फाबेट्स है, 0 या तो 1. अब यहां भी वही प्रॉब्लम है जो मोदी और ट्रंप के बीच आती है, कि कंप्यूटर इंग्लिश नहीं जानता और ये बच्चा 0 और 1 नहीं जानता. तो जैसे मोदी और ट्रंप अपने बीच में एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम कंप्यूटर से कुछ बातें करते हैं, तो कंप्यूटर हमारे बीच भी एक ट्रांसलेटर होता है, और उस ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर. जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज का कीबोर्ड है, लेकिन हमारी जो हम टाइप कर रहे हैं उसको कंपाइलर 0 और 1 में कन्वर्ट करता है. और जब कंप्यूटर कुछ रेस्पॉन्स करता है, तो वो रेस्पॉन्स भी 0 और 1 में ही करता है, क्योंकि कंप्यूटर सुनता भी 0 और 1 है और सुनाता भी 0 और 1 है.
तो जब कंप्यूटर रेस्पॉन्स करता है जीरो और वन में, तो फिर से वही ट्रांसलेटर जो हमारा कंपाइलर है वो जीरो और वन को दोबारा से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपाइलर इतना इतना इंटेलिजेंट कैसे है? तो इसका आंसर है ये टेबल, ASCII टेबल। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये टेबल नहीं है, एक तरह की डिक्शनरी है। जैसे आप लोग भी डिक्शनरी का यूज करते हैं कुछ भी चीज को समझने के लिए, किसी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, वैसे ही कंपाइलर भी जो भी आप टाइप करते हैं उस चीज को कंप्यूटर को समझाने के लिए इस डिक्शनरी का यूज करता है। और जब कंप्यूटर कुछ बताता है तो उस चीज को फिर से इस हमें समझाने के लिए कंपाइलर इसी टेबल का यूज करता है, इसी डिक्शनरी का यूज करता है। अब जरा इस टेबल की तरफ फोकस करते हैं। देखिए इस टेबल में कुछ कैरेक्टर लेटर्स बने हुए हैं, यहां पर स्मॉल में है, उधर की साइड कैपिटल में है, जैसे आपके कीबोर्ड पर होते हैं ठीक उसी तरीके से यहां पर कुछ लेटर बने हुए हैं। हर लेटर के पास में यहां पर ASCII कोड दिया गया है। ये ASCII कोड ऐसे मान लीजिए जैसे कि अगर ये आपका नाम है और ये आपकी क्लास में आपका रोल नंबर है, तो जैसे सपोज करिए आपने कीबोर्ड से स्मॉल ए प्रेस किया तो वो सबसे पहले आपका ये जो इंटीजर है वहां कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद कंपाइलर इसका बाइनरी कोड निकाल लेता है, ये बाइनरी कोड है। तो जैसे ही आपने ए प्रेस किया स्मॉल ए अपने कीबोर्ड से, तो कंपाइलर आपका ये बाइनरी कोड निकालकर कंप्यूटर को प्रोसेसर को दे देता है। और जब कंप्यूटर रेस्पॉन्स करता है, सपोज करिए कंप्यूटर ने आपको दिया, कंपाइलर को दे दिया ये वाला बाइनरी कोड, तो दोबारा से उसको ए में कन्वर्ट करके आपके स्क्रीन पर शो कर देता है। तो ये है पीछे की मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनिंग, इसे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनिंग कहते हैं। इस तरीके से जो आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से वो पीछे जाकर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वापस आते हैं हम लोग अपने ही टॉपिक पर, जो है आज का आपका मेमोरी यूनिट। देखिए ये जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं, ये मेमोरी यूनिट्स बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वेट यूनिट्स होते हैं। किसी भी चीज का वेट चेक करना है तो आप 1 किलोग्राम वगैरह इस तरह से यूज करते हैं। डिस्टेंस यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपको दूरी का पता करना है तो वहां पर भी आप लोग डिस्टेंस यूनिट्स का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी का पता करने के लिए कि मेमोरी का साइज कितना है, मेमोरी का साइज कितना है, वहां पर मेमोरी यूनिट्स का पता किया जाता है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी में वो होती है 1 बिट। 1 बिट का मतलब होता है बाइनरी की एक डिजिट, या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी। ये 1 बिट 0 या 1 होती है, और ऐसी 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं 1 ब्रम्ब, 4 बिट के ऐसे कलेक्शन को कहते हैं 1 निबल, और 8 बिट के ऐसे कलेक्शन को कहते हैं 1 बाइट। अब सपोज करिए कि ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, ये 4 बिट है, और ये 8 बाइट है। तो जितनी बिट बढ़ती चली जाती है मेमोरी का साइज उतना ही बढ़ता चला जाता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो छोटी से बॉक्स है ये थोड़ा सा डेटा स्टोर कर सकता है, इसमें ज्यादा डेटा आएगा, इसमें और ज्यादा डेटा आएगा, और इसमें और ज्यादा डेटा आएगा। तो जितनी बिट्स बढ़ती चली जाएंगी उतना ही डेटा ज्यादा स्टोर करता चली जाएगी। अब इन टेबल्स को देखिए दोनों को। ये जो आपका 1 बिट है, 1 बिट को मैंने आपको क्या बताया कि 0 या 1। तो देखिए ये जो बाइनरी कोड है, इस बाइनरी कोड में ये जो 0 है, पहला जो फर्स्ट लेटर है 0, ये आपका 1 बिट है। और अगर मैं पहला और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी
डिजिट्स हैं जीरो और वन, ये बन जाती हैं आपकी वन ब्रह्म। और अगर मैं स्टार्टिंग ये फर्स्ट फोर बिट्स को ले लूं तो ये द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फोर बिट्स इज नोन एज वन निबल। और इसी तरीके से ये जो 8 बिट्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वन बाइट। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये टोटल कितनी है, 8 बिट्स है। 8 बिट्स का कलेक्शन क्या क्या कहलाता है, वन बाइट। और आप यहां भी देखिए कि वन बाइट को वन कैरेक्टर भी कहते हैं। 8 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, वन बाइट। और वन बाइट को हम क्या भी कहते हैं, वन कैरेक्टर भी कहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये 8 बिट्स है जिसे हम वन बाइट कहते हैं, और 8 बिट्स के कलेक्शन से मिलकर बनता है वन कैरेक्टर। ये बन गया आपका वन कैरेक्टर। अब चाहे आपकी स्मॉल एबीसीडी है या फिर आपकी कैपिटल एबीसीडी है, लेकिन 8 बिट्स का कलेक्शन एक कैरेक्टर ही जनरेट करता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 बिट क्या है, 2 बिट क्या है, 4 बिट क्या है। बस इनके नाम बदल जाते हैं कि 2 बिट्स के कलेक्शन को हम 1 ब्रह्म कहते हैं, 4 बिट के कलेक्शन को हम 1 निबल कहते हैं, 8 बिट्स का कलेक्शन जो होता है वो आपका 1 बाइट कहलाता है, और उससे एक कैरेक्टर भी बनता है। लेकिन अगर ऐसी हम 1024 बाइट्स का कलेक्शन कहलाता है 1 KB किलोबाइट। द कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स इज नोन एज 1 KB वन किलोबाइट। द कलेक्शन ऑफ 1024 किलोबाइट इज नोन एज 1 MB एंड द कलेक्शन ऑफ 1024 MB इज नोन एज 1 GB। The collection of 1024 GB is known as 1 TB। और इसी तरीके से ये यूनिट्स आगे बढ़ती चली जाती है। So students, I think आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को आप समझिएगा। So in next video I will come with a new topic। Till then, stay home।